So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. For so long I was late. So hello, good morning guys, how are you all? Welcome back to my new vlog. So kaise ho aap log guys? सो आज का सीन ये है कि सबको पहले तो जुमा मुबारक सबको। एंड गाइस चलो मैं पहले नहा लेता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर यहाँ से कहीं निकलते हैं। आज का काम थोड़ा ये है कि गाइस आज मुझे सीपीयू लेके जाना है नेहरू प्लेस, क्योंकि वो की ख़राब हो रखा है एंड पता नहीं क्या कुछ सॉफ्टवेयर में इशू है, तो उसको ठीक करवाएंगे। 2000 years later गाइस मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ एंड जल्दी से चलो, भूख भी लगी है तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से फैक्ट्री के लिए। पहले तो मैं ये सीपीयू लेके फैक्ट्री जाऊंगा, फिर उधर ही से नमाज भी पढ़ लूँगा एंड चल देंगे ठीक करवाने नेहरू प्लेस। ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है एंड ये फुल गोभी और पनीर की सब्ज़ी है एंड रोटी एंड थोड़ा सा चिकन। सो पहले खाते हैं फिर बात करता हूँ मैं। गाइस ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया मैंने एंड अब सीपीयू वगैरह भी ले लिया यार, अब जल्दी से निकलते हैं यहाँ से और फिर पापा वेट कर रहे होंगे उनको। चलो चलते हैं जल्दी से और फिर मिलता हूँ मैं रास्ते में आपको। फाइनली गाइस यहाँ पे तो फैक्ट्री पहुंच चुका हूँ एंड गाइस नमाज पढ़ने का टाइम हो रहा है, अभी है 15-20 मिनट, तो रुकते हैं यहाँ पे बैठते हैं, फिर नमाज पढ़ने के बाद जाएंगे सीपीयू ठीक करवाने नेहरू प्लेस। 1 hour later गाइस नमाज पढ़ ली हमने, अब चलते हैं यार फैक्ट्री और फिर वहाँ पे कुछ काम है थोड़ी देर करेंगे, फिर 1-2 घंटे बाद फिर नेहरू प्लेस निकलना है तो वहाँ भी चलते हैं, पहले फ़िलहाल तो फैक्ट्री चलते हैं। सो गाइस अब फाइनली चलते हैं यार, 1 घंटे तो हो गए यहाँ पे बैठे बैठे एंड अब चलो नेहरू प्लेस चलते हैं और इसको ठीक करवाता हूँ अपने सीपीयू को। ये देखो नेहरू प्लेस तो पहुंच चुका हूं मैं, इसके बाहर ही ये देखो मोदी टावर दिख रहा होगा आपको, यहीं पार्किंग में खड़ी कर दी है एंड चलो निकलते हैं। हैंडल लॉक है पहले से, लॉक नहीं करना है, लॉक नहीं कर रखा मैंने, खोल रखा है ठीक है। ये क्या भैया दुकान में आया पड़ा हूँ और देख रहा हूँ यार यहाँ पे ठीक करवा रहा हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी पीसी तो खुल चुकी है, सीपीयू का देखो क्या हाल हो रखा है। गाइस मेरा शक सही था वैसे, वो बोल रहे हैं ऐसा कि कुछ हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है इसमें तो कहीं, या फिर पता नहीं कुछ और प्रॉब्लम है, तो मैं दूसरे जगह जा रहा हूँ, उनसे हुआ नहीं वैसे तो। सो मैं इधर ले आया और दूसरी जगह दिखवा लेते हैं जो कि ठीक होता है, तो इधर ही से ठीक करवा लेंगे, यहीं से ठीक करवाना ही पड़ेगा यार मेरे को जो भी है। तो चलो पहले देखते हैं कोई शॉप खुली है कि नहीं एंड तो फिर उसके बाद ठीक करवाते हैं इसको। 1 hour later तो गाइज इसमें हार्ड डिस्क की दिक्कत है जो कि सही बता रहे थे भैया एंड अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि बोल रहे हैं वो कि कुछ ज़्यादा ही खर्चा आएगा इसमें। सो अभी देखते हैं क्या करना है, पहले 1-2 दिन रुकते हैं और फिर सोचना पड़ेगा घर में, पूछते हैं घर पे, फिर उसके बाद बताता हूँ क्या सीन है क्या करना है इसको। हार्ड डिस्क चेंज होगा और इसमें जो डेटा है वो भी उड़ गया यार। सो गाइज चलो कुछ भूख लग रही है तो पहले कुछ खा लेते हैं यार, भाई जो होना होगा वो तो हो जाएगा, पहले भूख लगी पड़ी है तो पहले शाही चावल खाती है, बहुत फेमस दुकान है यहाँ पे। 2 hours later भाई यहाँ पे तो लंच वगैरह कर लिया मैंने एंड यहाँ से निकल चुका हूँ, सो अभी चलते हैं पहले पापा से बात करता हूँ क्या बोलते हैं क्या नहीं, और फिर उसके बाद जो भी खर्चा आएगा चेंज वगैरह करना पड़ेगा वो भी चेंज करवाएंगे, फिर अभी चलते हैं फैक्ट्री, फिर उसके बाद वहीं बात करी जाएगी। For so long I was living my life, was so wrong, always numb in my mind, battled on, building scars from 2000 years later. So finally guys यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे रहे हुए, जो कि मैं नेहरू प्लेस से तो आ गया था यहाँ पे एंड गाइस यहाँ पे बहुत थोड़े बहुत काम थे,
सो काम भी कर लिया कंप्लीट हमने। सो अभी 9 बज गए, 9 बजे के करीब। सो अब यहाँ से निकलते हैं और फिर मैं मिलता हूँ आपको घर पे। और ठंड भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, सो पहन लिया मैंने स्वेटर वगैरह। चलो स्कूटी तो ये रही खड़ी हुई, यहाँ पे लाइट नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा। और उससे पहले यार हेलमेट पहनते हैं फिर निकलते हैं यहाँ पे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होने वाली है, याद रखना। एंड गाइज यहाँ देखो कितनी जाम पड़ी हुई है भाई, कितना रोड में ट्रैफिक है। देखो मैं इधर से तो जाऊँगा नहीं, रुक जाऊँ, कोई दूसरा रास्ता ढूंढो एंड वहाँ से निकलते हैं। यहाँ तो पिछली बार आया था, पिछली बार तो पूरा खाली था यार, इस बार तो पूरा ही पता नहीं इतना ट्रैफिक कैसे हो जाते हैं। आगे में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसके वजह से हो सकता है ये एक रीज़न। सो गाइज ये पूरा रोड ना ये इसके वजह से पूरा जाम पड़ा हुआ है, क्योंकि आगे में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके लिए यार पूरा ट्रैफिक पड़ा हुआ है यार। और यहाँ पे होगी जब तक आगे का कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं होगा तब तक ट्रैफिक तो पूरा ही रहेगा मेरे हिसाब से। ठंड काफ़ी थी वैसे बाहर में, आज थोड़ा कम था वैसे। सो फाइनली गाइज मैं घर पहुंच चुका हूँ एंड काफ़ी थक चुका हूँ यार। सो गाइज अभी डिनर भी कर लिया है एंड और अभी रात के बज रहे हैं 12। अभी वीडियो की एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। I was blind.